तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेम प्ले सीरीज। तो आज के गेम होने वाला है सिटी स्काईलाइंस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, चलो शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली होता है कि एक मैप दिया जाता है आपको और उधर आपके मर्जी का सिटी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये पूछ रहा है कि रोड्स, ठीक है। तो अभी रोड्स पे जाना पड़ेगा, इधर ये है हाईवे, इधर से आना जाना होता है, अंदर घुसेगा सिटी के, मतलब अभी के लिए तो बाउंड्री ये है, बाद में पूरा खरीद सकते हैं लैंड एक एक करके। तो अभी के लिए तो यही रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा इधर रोड का कुछ बंदोबस्त करते हैं, ठीक है। तो चलो इधर ये डार्ट रोड लेते हैं थोड़ा, और ये पूरा एरियल व्यू से देखते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे एक काम करने दो, इधर एंट्रेंस बना लेने दो पहले। अब इसको इधर से नहीं, इसको इधर से ऐसे करके ज्वाइन करना, इन दोनों के बीच में से सीधा नीचे। हाँ, 600, उसका मतलब इधर से जो 200, और हाँ इसके बीच में आएगा 300, इधर से 380, नहीं हमें जाना है 320, 300, ऐसा। मैं पहले एक गोल सा एंट्रेंस बनाऊंगा क्योंकि जो गाड़ियाँ आएंगे ना हाईवे से, वो घूम के पूरा एकदम एक चक्कर लगाकर फिर सिटी के अंदर घुसेगा सब जगह। तो ऐसे इधर ये लगा देते हैं, अब बेंड रोड्स लेते हैं, इधर से बेंड रोड्स लेते हैं ऐसे करके, फिर ये इधर पे भी सेम ऐसे करके फिर जॉइन करते हैं, ऐसे करके जॉइन क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, इसको तोड़ना पड़ेगा ये दोनों को, हाँ फिर होगा ना। इधर से लेते हाँ, इधर से लेके ये बाद में ये बीच वाला हटा देंगे। हाँ, ये सर्कल बन गया, और आई थिंक इसके बीच में भी एक सर्कल बनाना चाहिए, नहीं इसके बीच में नहीं, इसके बाहर एक सर्कल, जिधर से हर एक जगह के लिए गाड़ियाँ जाएगा, मतलब इधर घूमेगा गाड़ी पर जो भी ट्रक्स वगैरह आएगा। अभी तो शो कर रहा है, डिमांड शो कर रहा है ये ग्रीन वाला इधर नीचे, वो रेजिडेंशियल एरियाज का डिमांड है, तो लोग तो आके घूम के चले जा रहे हैं इस सिटी से, क्योंकि अभी कोई घर पर बनाने के लिए मैंने परमिशन नहीं दिया। इधर ये जो ब्लॉक्स हैं इधर परमिशन देना पड़ेगा, तो अभी के लिए एक रेसिडेंशियल छोटा सा बना देते हैं, एक छोटा सा रेसिडेंशियल एरिया बना देंगे। थोड़ा इंक्रीज करते हैं, इधर से भी थोड़ा इंक्रीज करते हैं, जॉइंट कर देंगे। उसके बाद इसे लेके ये, फिर ये कितने ब्लॉक में है, एक ब्लॉक की डिस्टेंस में है, तो मतलब मुझे इधर से लेना पड़ेगा, फिर इधर इधर एंड देन इधर से इधर एंड इधर। तो ये एक हमारा छोटा सा रेजिडेंशियल जोन बन गया, तो अब इसको मार्क कर देते हैं रेजिडेंशियल जोन। तो हम पहले इसको हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल जोन, ठीक है। तो इसको मार्क कर, नहीं ये साइड मार्क नहीं करूँगा, अंदर को मार्क कर, एक तो तीन चार, अभी के लिए तो हो गया। अब थोड़ा टाइमलाइन बना के देखते हैं। अच्छा, टाइमलाइन कैसे बनाएंगे इसे, ये तो कनेक्ट ही नहीं आएंगे कैसे। तो अभी इसको हमें काम करते हैं, पहले ये जो थ्री लाइन रोड है ना इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं, ये सब नहीं तो फिर कैसे जाएगा। ये क्या उल्टा क्यों हो गया भाई? अच्छा, इस दिख से मैंने उल्टा खींचा था ना, उधर से रहा था। अब इसे बनाना पड़ेगा इंट्रोड्स। नहीं, गलत बनता, हाँ अभी सही होगा, हाँ पक्का एकदम पूरा सर्किल बन गया। अब इधर से इसको लेंगे,
अच्छा तोड़ नहीं सकते ना, तो फिर ठीक है जोड़ देंगे इसको, ऐसे ऐसे करके जोड़ देते हैं। रुको इधर से देखिए, ऐसे नहीं, हाईवे से करना है ना, हाईवे से ही करते हैं फिर। इधर पे लेके ऐसा, हाँ एकदम बढ़िया दिख रहा है अभी तो। अभी के लिए तो ये स्टार्ट कर देते हैं, ये अब बनना भी स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। एक तो घर भी बनेगा इधर, देखते हैं थोड़ा सा फास्ट करते हैं इसको। अब देखते हैं घर बनता है या नहीं। हाँ ये पहला घर, ये पहला घर, ये बाद में बना, ये भी बाद में बना। तो इसको हम एक हिस्ट्रिकल बिल्डिंग शो करते थे, एसटीटी का पहला घर है ठीक है। तो खैर चलो करते हैं इसको, अब देखते हैं इसको बैठ के थोड़ा, ये अब धीरे धीरे बनेगा। इधर से गाड़ियाँ आएगा और इधर से सिटी में घुस के ये फ्लैट्स बनना शुरू भी हो गया है अपार्टमेंट्स। मैं तो बैठ के देखूंगा भाई। हाँ भाई रामू, अच्छा है ना। ओ भाई पंकज इधर क्या कर रहा है, खिड़की से क्यों झाँक रहा है वे? ओ शेट गाइस, मैं रेसिडेंशियल जोन बिठा दिया पर मैंने पंप स्टेशन, वाटर पंप स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी इसका तो कुछ किया ही नहीं, तो इन लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसके लिए दो पंप स्टेशन बिठा देते हैं, नहीं अभी के लिए एक ही बिठाते हैं, और एक ये वाटर ट्रीटमेंट वाला प्लांट, मतलब कि इधर वाटर ट्रीटमेंट वाला प्लांट मैं थोड़ा दूर लगाऊंगा क्योंकि सिटी का जो कूड़ा कचरा का मैला है ना इधर से निकलेगा। अब इसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के लिए इधर से इधर पाइप खींच के लाके बस और जोड़ देना। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, विंड टर्बाइन्स प्रोवाइड जीरो पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन थोड़ा सा होता है इससे। कितना कॉस्ट आएगा, प्रोडक्शन कितना, आउटपुट 0 to 20 MW ठीक है, और कोल पावर प्लांट 40 MW, 19,000 और ये 12,000। एक यही लगा देते हैं अभी के लिए, तो ये ठीक है सही है। हाँ हो गया, फिर इसको भी पावर देना पड़ेगा। रुको इधर से ये खींच के लाते हैं, बाद में हटा देंगे। अभी के लिए जोड़ दिया, बाद में हटा। चलो इन लोगों का समस्या तो मिटना चाहिए। वाटर हट जा भाई। हाँ पानी का भी, हाँ वही तो सोचो, पानी का तो पाइपलाइन बैठा है नहीं सिटी के। एक काम करते पूरा सिटी में बैठा देते हैं पाइपलाइन एक साथ, इधर तक लेते हैं, फिर इधर तक एक खींचते हैं, फिर ऐसा करके इधर से दो लेन छोड़कर ये पूरा खींच देते हैं, इधर से खींचेंगे रोड के नीचे से एकदम, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना रोड के नीचे से पूरा पाइपलाइन जाता है वैसे। अभी इधर थोड़ा बच रहा है तो उसके लिए थोड़ा नहीं, बस ऐसा छोटा सा पाइपलाइन बना देंगे। इसका कनेक्शन भी तो देना पड़ेगा, फिर एक काम करते हैं इसे जोड़ देते हैं। हाँ हो गया, अभी तो समस्या मिटना चाहिए है या नहीं। हाँ कंप्लेंट चला गया इन लोगों का, ये जो ऊपर में है ना ये इन लोगों का ट्विटर है, मतलब सब बात करते रहते हैं इसमें, इधर कॉन्वर्सेशन फैसिलिटी प्रॉब्लम हैज बीन मेड ऐसा ऐसा। खैर हमको इससे क्या, हमको और रेसिडेंशियल जोन बनाना पड़ेगा एक, तो बीच में दो छोड़ते हैं क्योंकि उधर स्कूल्स वगैरह लगाएंगे, इधर का भी दो छोड़ते हैं। एक काम करते हैं इधर एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, ये क्या, इधर एक डिस्ट्रिक्ट बनाता है ठीक है, बना के इसका एक नेम चेंज, नेम लगा देंगे आदिपुर, ये अच्छा नाम होगा क्योंकि मतलब पहले बनाना ये पूरा सिटी का पहला मतलब रहने वहने का जगह है, फिर उसके लिए आदिनगर, आदि मतलब पहले जो होता है। स्प्रिंग पार्क इसका नाम आया है पर इसका नाम हम चेंज कर देंगे, हाँ स्प्रिंग पार्क।
अब इसका नाम चेंज करेंगे, आदिपुर रख देंगे हम। अरे हो जा भाई, वैसा नहीं, ADIPU आदिपुर, इसको काटो, दस्तावेज काटो, एंटर करो। हाँ हो गया आदिपुर, अच्छा तो दिख रहा है। अभी इधर भी घर बनना चालू हो जाएगा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते थे, घर बनते हुए देखते हैं। पहले डिमांड आ रहा है इंडस्ट्रियल जोन्स का, आई थिंक मीडियम ऑफिस एंड इंडस्ट्रीज, पहले तो इंडस्ट्रीज बनाते हैं क्योंकि वो सिटी में ज़रूरी है। तो इंडस्ट्रीज के लिए हम अलग सा एक रूट चूज करेंगे, तो इधर से इंडस्ट्री का इधर जाएगा। नहीं हम एक काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री का जो होगा ना वो पूरा इधर खींच के लाते हैं, एकदम जो इंडस्ट्री का कचरा पट्टी होगा एकदम नदी से इधर ही निकल। इधर नहीं अभी के लिए, ये फिर ये, नहीं थोड़ा गलत करती है लगता है, थोड़ा इधर को बनाना चाहिए था इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये जो रोड होगा ना बाद में ये स्ट्रीट एकदम इस पार आएगा, तो फिर हटाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, जैसे एक मेन रोड रखते हैं जो कि इंडस्ट्री के तरफ को जाएगा, ये होगा एक मेन रोड, ये इंडस्ट्री के तरफ को आएगा इधर, और ये होगा इंडस्ट्री का पूरा मेन रोड। ये हिली एरिया में चला जाता है, हाँ थोड़ा ऊंचाई तो है, तो हमें क्या, हमें तो स्ट्रेट एक बस सिटी के लिमिट तक करेंगे, इधर तक होगा इंडस्ट्रियल जोन, काफी बड़ा बना दिया। इसको इधर ज्वाइन करते हैं, इसको इधर ज्वाइन करते हैं, और फिर इन दोनों के बीच में से लाइन देते हैं, मतलब रोड्स इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इधर फिर इधर से इधर, इधर इधर फिर इधर से इधर, इधर इधर। बस जैसे जैसे ऊंचाई पे जा, कीड़ा क्यों बन गया रे, मैं हर चीज ऐसा सीधा सीधा बनाना चाह रहा। अभी इधर इधर बस हो गया, इधर थोड़ा ज्यादा जगह है तो इसके बीच में ऐसे लाइन खींच देते हैं, ऐसे करते हैं, नहीं पूरा ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है, आने जाने के लिए जगह होगा, रोड्स बनेंगे। हाँ ये बन गया इंडस्ट्रियल जोन्स, ये रेसिडेंशियल जोन्स, और इधर हम कमर्शियल जोन्स बनाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो इंडस्ट्रियल जोन्स को मार्क कर देते हैं, ये 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 ये, ये, ये। हाँ हो गया, अभी के लिए इतना ही सही, अभी बनना भी चालू हो जाएगा। गैस अभी मैं इधर डिस्ट्रिक्ट तो बना दूंगा, पर इंडस्ट्रियल जोन्स का कोई जो नेम रहेगा वही रहने देंगे। आप कमेंट में बताओ इंडस्ट्रियल जोन्स का नेम क्या रहना है, ठीक है। और इधर माइनस में जा रहा है हमारा, अच्छा कोई बिजनेस वगैरह के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है ना उसमें, तो इधर बनना देते हैं इंडस्ट्रीज। अच्छा इन लोगों का भी पानी का दिक्कत, इधर से खींच, थोड़ा सा इधर करेंगे, थोड़ा सा इधर को करके फिर ऐसे सीधा ये चल जाएगा। अब इधर से ऐसे रोडों के बीच से सीधा इधर जाएगा, इधर से भी रोड के बीच से अंडरग्राउंड होके इधर चल जाएगा। इन लोगों का थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा, अच्छा इधर भी लेना पड़ेगा,
एक छोटा सा दे देता है। हाँ हो गया, अभी तो बनना चालू हो जाएगा जी करके। इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी का पंगा है इधर। सॉरी चलो कनेक्शंस तो करते हैं।